नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमर राठी। आइए चलते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों की ओर। यूपी में अभी तीन तलाक का सिलसिला रुका भी नहीं है कि देवबंद से दो फतवे और जारी कर दिए गए हैं। वहीं एक फतवे में महिलाओं के चुस्त टाइट व चमकीले बुरखे पहनने पर रोक, तो दूसरे फतवे में बैंक में काम करने वाले मुस्लिम युवाओं की शादी पर रोक लगा दी गई है। वहीं शामली में मुस्लिम समाज के लोगों ने एक फतवे को सही तो दूसरे को नाजायज ठहराया है। दरअसल जनपद सहारनपुर के देवबंद में बने मुस्लिम दारुल उलेम मदरसे में मुस्लिम महिलाओं और युवाओं पर दो फतवे जारी किए गए हैं। वहीं एक फतवे में मुस्लिम महिलाओं के बुरखे के पहनावे को लेकर नाजायज बताया गया है। वहीं दूसरे फतवे में जो मुस्लिम युवा बैंक में नौकरी करते हैं उनको भी नाजायज बताया गया है। पहले फतवे के अनुसार जो महिला टाइट चमकदार व चुस्त बुरखे पहनती है वह सीरियत के खिलाफ है, क्योंकि चुस्त व टाइट बुरखों में महिलाओं का बदन दिखना आकर्षण का केंद्र बताया गया है। वहीं शामली की महिलाओं ने इस फतवे को सही बताया है। वहीं देवबंद से दूसरे फतवे को शामली के मुस्लिम लोगों ने साफ नकारते हुए बैंक कर्मी के यहाँ अपनी बेटी की शादी करना जायज बताया है। पर्दा होता है, देखो जी, पर्दा आप चादर भी ओढ़ सकते हो, बड़ी बुरखा भी ओढ़ सकते हो, मतलब जिसम ढका हुआ होना चाहिए जी। उसमें ये नहीं है कि बुरखा टाइट हो या सजावटदार हो या चमकीला हो या भाई किसी की जबरदस्ती से ओढ़ा जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। न इस पर कोई पाबंदी है, अपने हिसाब से इंसान पर्दा करता है जैसे उसको अच्छा लगता है। बड़ा रुपटा भी ओढ़ सकते हैं, चादर भी ओढ़ते हैं, बुरखा भी ओढ़ते हैं। तो कोई फैशन थोड़ा ही है ना बुरखा। अच्छा। बुरखा पर्दे के लिए ओढ़ा जाता है, जिसम ना दिखना चाहिए, टाइट बुरखा ना होना चाहिए। और दूसरा एक फतवा जारी हुआ कि जो बैंक में परिवार करते हैं नौकरी उनमें अपनी बेटी ना ब्याहे, उसमें क्या कहना है? वो भी गलत है, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो जॉब तो करेंगे, तो उसमें मतलब शादी का क्या मतलब होने ना होने का। तो पढ़े लिखे अगर आपके यहाँ कोई बैंक में जॉब करते हैं हाँ? तो परिवार में बेटी भी आनी चाहिए या नहीं? हाँ बिल्कुल, हमें कोई रिश्ता दे बहुत अच्छा, हमारे खुद लड़के हैं, हम रिश्ता करेंगे अगर हमारी बिरादरी में होगा। तो मानते हैं आप ये फतवे में जो जारी हुआ है ये सही नहीं है? सही नहीं है। आप इसके खिलाफ हैं? वही बच्चा पढ़ेगा वो इंजीनियर भी बनेगा, वो वकील भी बनेगा, वो जज भी बनेगा और जॉब भी करेगा, बैंक की भी करेगा, हर तरह की करेगा जो बच्चा जब पढ़ेगा। वो हिंदुस्तान तरक्की के लिए है या मतलब कहीं के लिए है? जब बच्चे को पढ़ाई इसलिए रहे, किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी किसी भी कास्ट का बच्चा होगा तो वो तो पढ़ेगा, पढ़ेगा तो तरक्की करेगा, तरक्की करेगा तो वो किसी मजहब की और किसी धर्म की तरक्की नहीं होगी, हिंदुस्तान की तरक्की होगी। गलत है, ये गलत बयान है इनका। ऐसे तो नौकरी ढूंढने के चक्कर में मुसलमान बर्बाद हो रहा, मुसलमान को नौकरी नहीं मिल रही इसीलिए चक्कर में। और अगर लड़के की नौकरी है तो शादी बहुत जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो कैसा ही पहन लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अपने। तो आप मानते हैं जो फतवा जारी हुआ वो सही है या गलत है? क्या है? नहीं गलत है, कैसा ही पहन लो बुरखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बुरखा होना चाहिए, बुरखा होना चाहिए चाहे सादा हो या फैन। इसके बारे में हमारा क्या ख्याल है? जो दारुल उलूम ने जो फतवा दिया है वो कुरान हदीस की रोशनी में दिया है, और वहाँ एक मुफ्ती एक जिम्मेदार ये काम नहीं करता, बल्कि मुस्तकिल मुफ्तियों की एक जमात है, और जो वहाँ से फतवे जारी किए जाते हैं सभी के मशवरे से कुरान हदीस की रोशनी में वो दिए जाते हैं। और हमारे यहाँ वो लिबास वो कपड़ा जिसमें बदन की साख और साफ नज़र आती हैं, बदन के अलग अलग अंग नज़र आते हैं, ऐसे लिबास को पहनकर बाहर निकलना गैर महरूम के सामने जाना ये बिल्कुल कतान हराम है, चाहे वो बुरके की शक्ल में हो और किसी शक्ल में हो। जो बना औरतें बनाओ श्रृंगार हैं, जीनत हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब घरेलू रह अपने घर में रहकर अपने मर्द के लिए की जा सकती हैं, बुरके की शक्ल में हो या और किसी शक्ल में हो। ऐसा लिबास पहनना चमकीला या ऐसा जिससे अपने दूसरों अपनी तरफ तवज्जो करते हों, राबिद होते हों, ऐसा लिबास पहनकर हमारे यहाँ निकलना जायज़ नहीं है। और दारुल उलूम ने जो फतवा दिया है वो बिल्कुल ठीक दिया, हम उसकी तायद करते हैं। और दूसरा फतवा है जो बैंक में नौकरी करें उनके यहाँ परिवार में शादी ना करना जी, उनके दूसरा फतवा जो बैंक से मुतालिक दिया है अभी आप ही के ज़रिए से हमने सुना है फतवा, इससे पहले मालूम नहीं था। दारुल उलूम देवबंद ने एहतियात के तौर पर परहेज़ करने के लिए कहा है जी,
और उसकी वजह है कि जब वो इस एक नाजायज हराम काम में मुब्तला हो रहे हैं, जब आपस में रिश्तेदारी होगी तो उसके राज साथ ऐसा है, ऐसा ना हो जाए कि हमारे में भी उसके असरात हो जाए, हम भी उसका इर्तिकाब करें। इसीलिए इस बुराई से, इस गंदी सनाउ से बचने के लिए दारुल उलूम देवबंद ने अगर ये फतवा दिया तो ठीक दिया, हम इसकी तायद करते हैं। तो बैंक में काम करने वाला जो काम है, क्या वो हराम है, नाजायज है? जी, हमारे यहाँ शरी तौर पर जो जिस फैक्ट्री की या किसी भी कारोबार की बुनियाद ब्याज सूद पर है तो हमारे लिए उसकी इजाज़त नहीं है। दारुल उलूम देवबंद ने इसी वजह से कहा है, उसको हम उसकी तायद कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे और सरकारी नौकरी में आज बैंक में होती तो क्या आप उनको वहाँ से हटवाते हैं, क्या करते हैं? जी, पहली बात तो हमारे बच्चे इस तरफ जाने के नहीं, इंशाल्लाह हम इरादा करते हैं ऐसी नौबत ही नहीं आने देने का इंशाल्लाह। अगर जाए नौकरी वो मजदूरी पर लगा दें लेकिन बैंक में नहीं लगाने का। फतवा जारी होने से पहले अगर बैंक में होते तो क्या करते? जी, फतवा जारी हमारे बच्चे इस लायक कहीं नहीं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वो बैंक तक ना जाएं, क्योंकि वहाँ कारोबार करना पड़े, हमारी तो ये सोच है।